नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का मेरे चैनल आरएस लाइव पे। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ सुभाष चौक, लेकिन रास्ता कोई और होगा। राजीव चौक तो सुभाष चौक नहीं, आज मैं हीरो होंडा चौक से आपको सुभाष चौक लेकर चलने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्यों हीरो होंडा बोलते हैं उस चौक को और कैसे आप सुभाष चौक तक जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो डिटेल आपके स्क्रीन पर जाइए और आप मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं होंडा चौक, और यहाँ से मैं आज आपको लेकर चलूँगा सुभाष चौक पे, यानी कि जो सोना एलिवेटेड रोड का जिस पे काम चल रहा है। तो हमें, अगर मैं इस फ्लाईओवर के ऊपर लूँ तो ये सीधा जाएगा और फिर हम जा सकते हैं राजीव चौक और दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मुझे अभी लेना है, नीचे की तरफ रखूँगा, मैं इस फ्लाईओवर पर नहीं लूँगा। और वैसे भी ये फ्लाईओवर कुछ साल पहले ही बना है और इस तरह से वैसे भी देखोगे तो बीच से वो टूट भी गया है, पता नहीं कैसे कंस्ट्रक्शन किए, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ऐसे देखने को और सुनने को तो बहुत दिनों बाद मिला है कि फ्लाईओवर कुछ साल पहले ही बना और वो टूट भी गया। बट फिलहाल गाड़ियां तो उस पर जाती हैं, लेकिन हेवी गाड़ियां नहीं, क्योंकि बीच से किच में थोड़ा सा जो जगह है वहाँ पर आप अगर देखोगे तो वो टूट सा गया है। ये है हीरो होंडा चौक। नाम आपको हीरो होंडा इसलिए पड़ा है, आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे हीरो जो बाइक है ना, जो हीरो बाइक बनाती है, हम सबके पास है ही, ऑलमोस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी है ये बाइक, तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यहीं पे है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हीरो होंडा चौक, लेकिन अब फिलहाल हीरो कह लीजिए उसको। लेफ्ट में मैं एक दिखाता हूँ कार का जो एक शोरूम है, बिग बॉय टॉयज़। कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले तो इसमें ज़रूर आना, आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी ना, ये जो बिग बॉय टॉयज़ आप देख रहे हो, बहुत ही अल्टीमेट शोरूम है ये, बहुत ही अल्टीमेट। अगर आप कार के शौकीन है ना और आपको गाड़ियों से प्यार है तो आप हीरो होंडा चौक पे आएँ, और अगर आप मानसर की तरफ से आते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, ठीक है। जो आप ये देख रहे हो बिग बॉयज टॉयज़, ये मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ, ये पूरी बिल्डिंग है बिग बॉयज टॉयज़ की, इसको बोलते हैं BBT, ठीक है। हनी सिंह के बहुत सारे सॉन्ग में आपको ये दिख जाएगा, इसके गाड़ियाँ या ये शोरूम का आपको ये दिख ही जाएगा। और मुझे अभी लेना है राइट, लेफ्ट अगर जाऊँगा तो ओल्ड गुड़गांव जा सकता हूँ, लेकिन हमें लेना है राइट क्योंकि हमें जाना है सुभाष चौक। और इसी राइट में जब मैं लूँगा ना तो हमें दिखेगा हीरो का मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है ना, यानी कि हीरो मोटोकॉप जो है उसका ऑफिस दिखेगा, और इसी के नाम पर यह पड़ा है। एक ये नया अंडरपास बना है जिसकी वजह से थोड़ा हेल्प हो जाता है, नहीं तो पहले इधर इतना जाम लगता था। ये फ्लाईओवर और अंडरपास की वजह से अब हीरो होंडा चौक जिसको बोलते हैं इस पर अब जाम नहीं लगता। ये पूरा जो आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये जो कंपाउंड है ना, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा हीरो का ही है, हीरो का ही पूरा एरिया ये कंपाउंड जो है ये पूरा। और इसमें अगर लंच के टाइम पर तो आपको दिख जाएंगे लोग, क्योंकि फैक्ट्री है यहाँ पर, प्रोडक्शन होता है, तो ये जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो वो लंच करने के लिए बाहर निकलते हैं। ये इसका गेट है, ये देखो हीरो मोटोकॉप लिमिटेड, ठीक है। तो यहीं से आपकी जो बाइक है ना वो बन के और फिर इंडिया में जाती है हर जगह, इंडिया के हर कोने कोने में। और ये रास्ता सीधा सीधा आपको लेकर जाएगा सुभाष चौक पे, और हम वहीं जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और चीज़, इसका एक और गेट दिखाता हूँ, ये हीरो मोटो का एक्चुअल गेट यही है, वो तो वहाँ पे तो पहले वाला था, अभी ये जो नया बना ना वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट लेकर, ये एक गेट है जिससे मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला हूँ, मैं एग्जिट ले लूँगा, यूटर्न ले लूँगा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये हीरो मोटो कॉप गुड़गांव प्लांट है ये हीरो का, इधर ये सीधा जाऊँगा ना तो ये पार्किंग है, ठीक है। मैं अंदर तो नहीं जाने वाला, अंदर मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको चाहिए होगा परमिशन, और वो फ़िलहाल मेरे पास है नहीं, तो किसी दिन अगर मेरे पास परमिशन मिलता है तो मैं आपके इस प्लांट का भी ना मैं आपको एक दिन टूर करा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको सोना एलिवेटेड रोड का टूर कराने वाला हूँ। और एक ये नया रास्ता भी बताने वाला हूँ कि अगर आप आ रहे हैं मानेसर की तरफ से या फिर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं NH होते हुए, तो आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो लेफ्ट लीजिए, और मानेसर से अगर आ रहे हैं तो राइट लीजिए, और आप पहुँच जाएँगे
सुभाष चौक पे, जिस पे सोना एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। सीधा सीधा जाओगे तो सीधा जाके मिलोगे हुडा सिटी सेंटर पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो जितनी काम चलता है ना, जो भी मेंटेनेंस और ये सब, तो ये है मेरे राइट में इन्फो सिटी वन, ठीक है। और इन्फो सिटी वन के अंदर ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट का विभाग है उसका ऑफिस है, जो पूरी कोशिश करता है कि गुड़गांव को ना थोड़ा क्लीन रखा जाए, नीट एंड क्लीन, और वो है नगर निगम गुड़गांव, और उसका ऑफिस पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। नगर निगम गुड़गांव का ऑफिस यहीं पे पड़ता है, तो अगर आपको कभी काम पड़े तो आप यहाँ पे आ सकते हैं नगर निगम गुड़गांव के ऑफिस में, क्योंकि आपको पड़ेगा ही प्रॉपर्टी टैक्स और ये सब देना होता है, तो वो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। ये अगर मैं लेफ़्ट लूँगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप अंदर लीजिए और फिर यहाँ से लीजिए लेफ़्ट, और आपको वैसे भी यहाँ से गवर्नमेंट की गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो आप समझ जाइए कि आप पहुँचने ही वाले हैं, ठीक है। ये जो गाड़ी लगी ना सबसे आखिरी वाली, उससे जो रास्ता है लेफ़्ट का रास्ता है, लेफ़्ट में आप अगर लोगे, ये नहीं जो बाइक निकला वो नहीं, ये वाला, ये जो लेफ़्ट रास्ता है ये है नगर निगम का ऑफिस, नगर निगम गुड़गांव का। यहाँ पर ये जब सीधा, जैसे जहाँ भी हम जो जा रहे हैं, ये जो स्ट्रेट आप जाओगे तो यहाँ से सीधा सीधा अगर हम जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे सेक्टर 29। लेकिन अभी हमें स्ट्रेट जाना नहीं, क्योंकि मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ सोना रोड के ऊपर, और उसके लिए हमें आगे से लेना पड़ेगा लेफ़्ट। और वैसे आपको मैंने अक्सर जो अपने वीडियो में दिखाया है, जिससे मैं बताता हूँ कि ये जो सामने आप, जब मैं राजीव चौक से आ रहा होता हूँ टुवर्ड्स बादशाहपुर या सोना रोड जा रहा हूँ, तो सोना जा रहा होता हूँ, तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि ये जो फ्लाईओवर सुभाष चौक पे दिखता है, इसी फ्लाईओवर की वजह से आपको मैं बोलता हूँ कि वो अंडरपास बनने वाला है। तो आज मैं एक्चुअल में आपको वो फ्लाईओवर दिखाता हूँ कि वो फ्लाईओवर है कौन सा। अभी मेरे राइट में यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे कमर्शियल ऑफिसेज है इसके अंदर, जो कि आप इसको सेक्टर 75 बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी सीधा जा रहा हूँ, और ये जो फ्लाईओवर है आपको अभी दिखने वाला है, यानी कि जो दिख रहा है आपको, इससे मैं नीचे लूँगा और वहाँ से फिर हम राइट लेंगे नीचे लेकर, और फिर हम जाएंगे सुभाष चौक के से होते हुए बादशाहपुर तक हम जा सकते हैं। स्ट्रीट अगर लूँ मैं, अगर सीधा लूँ तो फिर हम पहुँच जाएंगे हुडा सिटी सेंटर के पास, ठीक है। ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है सामने, जिस पे ये गाड़ियाँ जो सीधी सीधी जा रही है, तो वहाँ से ये आप देखो, देख रहे हैं आप, ये है, देखो जैसे देखोगे तो ये एक अच्छी चीज़ कर दी है उन्होंने, कि राइट जो टर्न था ना वो बंद कर दिया है, तो यहाँ से आप लेफ़्ट ले सकते हो लेकिन राइट नहीं ले सकते हो, ठीक है। वो अच्छा भी है, क्योंकि इसकी वजह से ना रेड लाइट बहुत लंबा हो गया था सुभाष चौक पे, तो ये एक अच्छा किया है कि चलो उसको बंद ही रखा है रेड लाइट को, जिसकी वजह से थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा जो लोग सोना रोड पे जो डेली यूज़ करते हैं ऑफिस के टाइम पे उनको। ऐसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिटेल आपके स्क्रीन पर है, तो जाइए और आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते